देश पूरे विश्व में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 3 सितंबर को मनाया जाएगा। इलाहाबाद के बलुआ घाट स्थित इस्कॉन के श्री राधा वेणी माधव में जन्माष्टमी 2 से 4 सितंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए इलाहाबाद के कई रास्तों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भक्तों द्वारा 108 से अधिक व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। 108 चांदी के कलशों द्वारा भगवान श्री राधा वेणी माधव जी का महाभिषेक किया जाएगा। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई। 3 सितंबर को स्थान इलाहाबाद के बहुत सुंदर जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 4:30 बजे मंगल आरती आरम्भ होगी। उसके बाद दर्शन के बाद श्री प्रभुपाद जी की पूजा होगी और मंदिर दिन भर दर्शनार्थी के लिए खुला है। 12:30 बजे भगवान की रात की आरती होगी और फिर रात को 11 बजे माँ अभिषेक आरम्भ होगा। माँ अभिषेक आरती होगी ठीक 12:30 बजे और उसके बाद सब जो विजिट करेंगे सबसे माँ शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? शोभा यात्रा 2 सितंबर को चंद्रपुर सुबह आरम्भ होगा। हजारों संख्या में भक्त लोग भाग लेते हैं और पूरा होते हुए हमारे इस्कॉन के मंदिर में भी वहाँ मंदिर करने का संपर्क किया। 4 सितंबर को हमारे इस्कॉन में जो भक्त आचार्य ये श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी उनका जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और 3 सितंबर को जो 5001 का भोग लगाया जाएगा ठाकुर जी का, दूसरे दिन प्रभुपाद जी के जन्मदिन हम भक्तों को करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी रसगुल्ला खिला तो भक्तों को आनंद मिलेगा। प्रभुपाद जी चाहते हैं जो भी आएगा आपके साथ अवश्य पाएगा। 3 तारीख को भी 4 तारीख को सब भक्तों को वहाँ भंडारा किया जाएगा। सब आए भगवान का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद ऐसे। मेरा नाम ब्रजेंद्र चंद्र दास, इस्कॉन के राष्ट्रीय संपर्क। इलाहाबाद से हमारे संवाददाता ललित सोनी की खास रिपोर्ट।